अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ वंडरफुल डे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। भाई आज जो है मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। द रीजन बीइंग आज है वेंसडे 24th of July, सो प्रैक्टिकली जस्ट अ डे बिफोर माय बर्थडे। तो जनरली लोग तो ज्यादा अपने बर्थडे वाले दिन एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना वो पूरा बर्थडे वीक मनाते हैं। लाइक सीरियसली आई हैव बीन डूइंग सो मच इन द पास्ट वीक, सिर्फ ये कह के खुद को कि यार दिस इज माय बर्थडे वीक, आई डिजर्व इट और आई नीड टू सेलिब्रेट ब्ला ब्ला ब्ला। खैर अभी जो है ना सीन ये कि मैंने अपने लिए एज अ बर्थडे ट्रीट कह लें, फीस्ट कह लें, प्रेजेंट कह लें, कुछ ट्रीटमेंट्स बुक कराई थी। वन इज फॉर द नेल्स, आई मीन आई एम गोइंग फॉर अ मैनिक्योर एंड अ मैनिक्योर एंड अ पेडिक्योर, एंड देन कल जो है ना मैं आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस हेयर कट। ठीक है, तो आज हमारी नेल स्पा की बेसिकली अपॉइंटमेंट है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। अभी जो है वही यूजुअल टाइम में रानी को स्कूल से पिक करने वाला, तो 2:50 पे रानिया का स्कूल ऑफ होता है एंड देन आई हैव माय अपॉइंटमेंट फॉर 3 PM। तो हम रानिया को लेके जो है डायरेक्टली कहाँ जाने वाले हैं, स्पा के लिए। सो स्टे विद मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। आई विल फाइल इट अप लाइक टुडे एंड टुमारो, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी माय बर्थडे व्लॉग। लेट्स गो। ऑलराइट एवरीवन, रानिया मैडम इज हियर विद मी और हमारा जो नेल स्पा है दैट्स वेरी क्लोज टू, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे यह रानी के स्कूल से भी और हमारे घर से भी। ये जो सामने आपको नजर आ रहा ना मैकडॉनल्ड्स और कोल्स दिखा हुआ बस यहीं पे ही है। तो लेट्स गेट गोइंग, जल्दी से पहुंचते हैं, 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। ऑलराइट गाइस, आवर पेडिक्योर इज हैज स्टार्टेड। तो पेडिक्योर के लिए आई ऑप्टेड फॉर द नॉर्मल पॉलिश और मैनीक्योर के लिए आई वेंट फॉर शेलेक्स। दीज आर ऑल द कलर्स, बल्कि दो हैं, नीचे भी है एक, तो मुझे सिलेक्शन करनी है अभी अपने नेल कलर की एंड देन आई शो यू व्हाट आई सिलेक्टेड। दिस इज़ द सेकेंड वन। अच्छा, मुझे लगता है नेल्स पे जो है ना हमेशा बहुत सटल से, मतलब न्यूट्रल न्यूड से कलर्स अच्छे लगते हैं, तो ये जो आपको नज़र आ रहा ना 304, आई विल प्रोबेबली गो फॉर दिस वन। कोई बहुत भाई हमारा हैवी वाला काम स्टार्ट हो गया यहाँ से, हाथों का और यहाँ से पाँव का। तो मैंने अपने कलर्स भी डिसाइड कर लिए हैं लेकिन आई एम सो पैक के मुझे दिखाने का टाइम नहीं मिला, वो फिर आपको फाइनल करके दिखाती हूँ। ये जो इनकी चेयर्स है ना जो पीछे आपको नज़र आ रही है, दीज आर एक्चुअली मसाज चेयर्स। तो भाई आपका फ्री में साथ साथ मसाज भी हो रहा है और कसर से बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि आप जब भी किसी नेल स्पा में जाते हो ना, सबके अपने डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ देयर पेडिक्योर सेटअप। इतना मज़े का ग्लिटरी सा सिंक है और ये जो चेयर है ना सारी पीछे, ये दिस इज़ अ मसाज चेयर, ये सारे इनके पेडिक्योर सेटअप्स हैं। और सामने फ्रंट पे ऑब्वियसली मैनीक्योर का तो यूजुअली होता भी सिंपल सा ही है, तो ये सामने वाला मैनीक्योर के लिए एंड द पेडिक्योर वन इज़ सो लश। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाऊँगी वंस आई गेट ऑफ माई सीट। सो गाइज, दिस इज द फ्रंट लुक। यहाँ पे रानिया मैडम बैठी हुई है, मैडम बन के रानिया हेलो एंड कीपिंग द थिंग्स वेरी रियल। यहाँ पे रानिया का स्कूल बैग भी पड़ा हुआ है, बट लाइक आई रियली रियली लाइक देयर्स, जो नीचे सिंक्स है ना दे आर सो कूल। ऑलराइट गाइज, वी आर डन विद आवर पेडिक्योर और अभी जो है हमारा मैनीक्योर स्टार्ट हो गया है। अभी तो आई मीन शेलेक्स करवानी है मुझको, अभी तो सिर्फ उसकी जो बेस कोटिंग होती है वो लग रही है। ऑल राइट गाइज, वी आर ऑल डन विद आवर स्पा थिंगी और आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई न्यू नेल्स। शैल आई रिवील देम नाउ या घर जाके दिखाऊँ? मुझे लगता है घर जाके दिखाऊँ, क्योंकि जैसे ही मैं व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ ना, यहाँ वहाँ से लोग जो है वो देखना शुरू कर देते हैं, हेयर यू गॉट अ ग्लिम्स, तो वो मेरा थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो घर चल के आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ और फिर कुछ खाते पीते हैं। सुबह से मैं भूखी फिर रही हूँ। लेट्स गो रानिया, लेट्स गो अनु बाबा, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, वी आर बैक होम एंड इट्स द टाइम टू रिवील माय न्यू नेल्स। 1, 2, 3, छड़ा। आई एम एब्सोल्युटली इन लव। मुझे ना जब भी मैं मैनीक्योर कराती हूँ ना, मुझे अपने नेल्स के साथ ना हल्का हल्का ये थोड़ा ब्लिंग ब्लिंग भी चाहिए होता है,
तो आई एडेड सिल्वर ऑन वन नेल और बाकी ये जो है मैंने पाँव और हाथों दोनों के लिए ना एक बहुत न्यूट्रल सा कलर सेलेक्ट किया है. आई रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन आई हैड माय शेलेक्स डन तो मैंने ना एक बहुत ब्राइट रेड सा कलर करवा दिया था. तो ब्राइट रेड कलर जो होता है ना वो अप टू अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तो अच्छा लगता है, बट देन देयर कम्स अ पॉइंट जब आप ना उससे फेड अप हो जाते हो थोड़ा सा. तो आई थिंक दिस इज वेरी न्यूट्रल एंड आई लाइक इट वेरी मच. आई एम वेरी हैप्पी. और कल जो है हमारा होगा कोई बालू शालू का चक्कर. अच्छा अभी ये सीन है कि मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है क्योंकि मैं उठते ही रानिया को लेने चली गई थी एंड देन ऑब्वियसली दिस बात हिंगी. तो कल ना मैंने यहाँ के एक लोकल कैफे से एक बहुत बेसिक कॉफी फ्रैप जो है ना वो ऑर्डर किया था, मतलब ट्राई किया था और इट वॉज पथेटिक. इट वॉज सो स्वीट और अजीब, उसमें कॉफी का टेस्ट कम था और मीठा और दूध और इन चीजों का टेस्ट ज्यादा था. तो मैंने सोचा है कि आज ना मैं खुद अपना एक रिक्रिएट करती हूँ फ्रैपे, तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि हाउ इट गोज. मुझे लगता है आई कैन डू अ मच बेटर जॉब देन दैट. ऑलराइट गाइस, फ्रैपे बनाने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी आर टेकिंग अवर एस्प्रेसो शॉट. मैंने एक 80 ml वाला लाइक डबल एस्प्रेसो शॉट यूज किया है पॉड. तो मतलब डबल शॉट का मतलब है डबल स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉफी, स्टैंडर्ड कॉफी. तो क्योंकि मुझे थोड़ी अपनी कॉफी जो है ना लिटरली कड़वी कड़वी अच्छी लगती है. अब पता लगना चाहिए कि आप कॉफी पी रहे हैं, नॉट कोई मीठा शरबत. तो लेट्स गेट डन विद आवर एस्प्रेसो. यार कितना मजे का ये निकलता है ना, फ्रॉदी क्रीमी मजेदार. उसके बाद जी अब मैंने ब्लेंडर में ले लिया है ऑलमोस्ट 200 ml ऑफ मिल्क और उसमें हम डालने लगे हैं अपना कॉफी. हियर इट गोज. लेकिन इसको भी निकालूंगी मैं, ठहर जाए. लेट मी डू अ टेक्निक. चले मिक्स 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 एंड देन पोर इट अगेन. गुड जॉब ज़रनैन. अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 pumps ऑफ दिस शुगर फ्री चॉकलेट सिरप. तो लेट मी डू इट एंड गेट बैक टू यू. 2 pumps फुल ऑफ दिस चॉकलेट सिरप. नेक्स्ट थिंग दैट गोज इन इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइस बिकॉज माइंड यू गाइज इट्स अ फ्रैपे और फ्रैपे में जो है ना वो रेगुलर उनसे रेगुलर आइस कॉफी से भी ज़्यादा बर्फ डलती है. ठीक है, तो आई हैव नो आइडिया मैं कितने कोई क्यूब्स डाल रही हूँ. आई एम जस्ट डूइंग इट अंदाजे से, बट आई थिंक इतनी शुड बी इनफ. अब इसको करते हैं ब्लेंड अच्छे से एंड देन आई शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. ऑलराइट गाइस, आई हैड टू ऐड इन अ लिटिल मोर आइस जस्ट टू गेट यू नो दैट परफेक्ट फ्रैपे कंसिस्टेंसी, बट नाउ आई थिंक वी आर डन. लेकिन क्वांटिटी कुछ बढ़ ही गई है ज़्यादा. आई होप इट डिडंट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ माई कॉफी. तो अब इसको पोर इन करते हैं और टेस्ट करते हैं. लव से ज़्यादा, हियर इट गोज. ओह माय गॉड, नो वे, व्हाट द हेल डिड आई जस्ट डू. चलिए जी गाइस, बहुत बड़ा एक ब्लेंडर हो गया. अब उसके बाद जो है हम अपनी व्हिप्ड क्रीम पोर करते हैं ऊपर. आई यूज दिस वन ड्रीम व्हिप डेरी व्हिपिंग ब्ला ब्ला. चलिए मैं दोनों हाथों से करना पड़ेगा इसको भी. चले जी, आवर फ्रैपे इज रेडी. अब करते हैं इसका टेस्ट टेस्ट और आपको देते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, सच्चे रिव्यूज. चलें जी, लेट्स टेस्ट टेस्ट आवर फ्रैपे. गाइस ऑनेस्टली इट्स मच बेटर देन द स्टोर बॉट वन, बट स्टिल नॉट ग्रेट. आई मीन आई थिंक आई एडेड टू मच आइस, तो उससे जो है ना मेरा जो कॉफी कंटेंट था, जो कॉफी की इंटेंसिटी थी ना, वो थोड़ी कम हो गई है. तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, लेकिन ऑब्वियसली आई विल कंज्यूम इट नाउ. बट ये कि आई स्टिल नीड टाइम टू मास्टर इट, अ फ्यू मोर प्रैक्टिसेस. आप लोगों को याद होगा मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी रानिया और मैं एक कार्ड मेकिंग किट लाए थे, तो उसको अभी हमने खोला है और ये देखें उसमें से इतना प्यारा प्यारा कोई स्टफ निकला है ना. ये 6 बेसिकली प्लेन कार्ड्स हैं जिनके ऊपर आप डेकोरेशंस कर सकते हो फर्दर. और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स, शिमर्स वाले भी हैं, प्लेन भी हैं, एंड देन ये हैप्पी बर्थडे वाला स्टफ़ है वेरी प्रिसाइजली.
और फिर ये विद लव थिंकिंग ऑफ यू और छोटे छोटे फ्लावर्स बटरफ्लाइज हार्ट्स पता नहीं क्या क्या बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो अब जो है रानियाँ बनाने लगी है मेरे लिए बर्थडे कार्ड। तो फिर मैं आपको रानिया मैं कोई इसको इनपुट्स नहीं देने वाली, वो अपनी मर्जी से सब सिलेक्ट करेगी और डिसाइड करेगी। तो लेट्स सी व्हाट रानिया मेक्स फॉर मी एंड आई विल शो यू लेटर। गाइस आई हैव सो मच आइडियाज इन माय माइंड बट आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम गोना गो फॉर बट आई एम गोना ट्राई द बेस्ट आई कैन। ओके मेरी जान आई विल लव इट एनीवेज गो अहेड। आई वांट टू पिक दिस डोंट टेल मी इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मी। ओके हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर जर्नेट हैप्पी बर्थडे टू यू मे यू हैव मेनी मोर। थैंक यू मेरी जान थैंक यू मेरी जान डिलीशियस सो गुड। Shall I make a wish? Yes. Mm-hmm. Let me help you. Happy birthday. What if I have more than one wishes? The next day. Assalamu alaikum everyone. Kya hal chal hai aap sabke? Bhai, aaj ho gaya hai agla din, matlab 25th of July. And yes, now officially it's my birthday. I woke up with a very very pleasant surprise from one of my best friends. So before saying anything else, I want to show you that present. फिर मैं आपको आगे के plans बताती हूँ. Look at this, guys. आज जो है मेरे dining table पे ना नाश्ते की बजाय इन presents का spread है. First and foremost, we have this beautiful bouquet of flowers. आई मीन एब्सोल्युटली स्टनिंग। उसके बाद जो है हमारे पास ये इस तरह से एक गिफ्ट हैम्पर है जिसके अंदर वी हैव ये वेज है फ्लावर्स डालने के लिए एंड देन वी हैव गॉट अ रीड डिफ्यूज़र और उसकी स्टिक्स वगैरह देन वी हैव अ ब्यूटिफुल लिटल कैंडल और उसके बाद दिस इज़ अ चॉकलेट अ सोप बार एंड दिस इज़ पिंक लेमोनेड बाथ सोप। तो इस तरफ आते हैं we have another bath soak and then some shower steamers and a clay mask and a beautiful greeting card. So basically this is a whole self pamper kit और मेरी फ्रेंड ने सरप्राइज़ भेजा है हांगकॉन्ग से और यकीन करें आई एम द हैप्पीएस्ट क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं प्यार के मतलब वी वर फ्रेंड्स इन हांगकांग लेकिन हांगकांग छोड़े हुए हमें 2 साल से ऊपर हो गए हैं लेकिन मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे अभी भी हर इवेंट पे मतलब ईद पे बर्थडे पे हर इवेंट पे वो वहाँ बैठ के गिफ्ट्स भेजती है। तो इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। और अच्छा अब आगे का प्लान ये है कि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कल आई गॉट माई नेल्स डन और अभी जो है मेरी हेयर कट की अपॉइंटमेंट है तो मैं हेयर कट कराने जा रही हूँ। सो आई एम बेसिकली थिंकिंग टू गेट अ बटरफ्लाई हेयर कट और बालों की जो लेंथ है ना वो मैंने बिल्कुल भी कम नहीं करवानी है मैक्सिमम मतलब मे बी 1 inch जितने मैं कम करवाऊंगी बाकी सारी ऑब्वियसली उसकी लेयर्स आएंगी। तो मैंने जो सर्विस बुक कराई है उसमें जो है ना हेयर वॉश और ब्लो ड्राई एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इसलिए बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ। और बाकी जो है दिस इज माई कैजुअल आउटफिट वहां से फ्री होके मुझे रानिया को स्कूल से पिक करना है और फिर शाम में वी हैव टू गो फॉर डिनर तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा मजीद तैयार शेयर होंगी। तो डेफिनेटली आई शो यू गाइस। तो चलें अभी चलते हैं नहीं पहले फ्लावर्स को डालते हैं वेज में वी हैव टाइम राइट यस तो उसके बाद चलते हैं हेयर कट के लिए। लुक एट दैट हमने फ्लावर्स को डाल दिया है पानी में इसके साथ फ्लावर फूड भी आया था टू कीप देम फ्रेश और ये जो है इसके अंदर जो चॉकलेट थी ना इसके ऊपर ये कोई पेपर नहीं है ये डायरेक्ट चॉकलेट ही ना गोल्डन कलर की है। तो लेट्स ट्राई दिस ये कैसी है बड़ी मज़े की लग रही है। तो अपने दिन का आगाज करते हैं कुछ मीठा खा के। ऑसम बहुत मजे किया। ऑलराइट गाइस मैं पहुंच गई थी सैलून पे एंड आई जस्ट गॉट माय हेयर वॉश्ड और बस अभी हमारा होने लगा है हेयर कट और
यहाँ पे वी आर हैविंग सम कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफी एंड सो मेनी एस्थेटिक्स एंड सो इन लव ऑलरेडी. A few moments later. Alright guys, I'm done with my haircut and look at the magic. I am absolutely in love. And look who has joined me here. तो जनाब हेयरकट हो गया है और मुझे बहुत बहुत सुकून मिला है और मज़ा आया है. तो जस्ट लाइट नोट फॉर ऑल ऑफ यू के मेक योर डेज स्पेशल लाइक दिस. वो करें जो करके ना आपको खुशी मिलती है. अभी मैं आपको घर चल के प्रॉपर पिक्चर या वीडियो शेयर करती हूँ इसके साथ. तो आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद माय. अब जो है रानिया और मैं थोड़ी सी पार्टी शार्टी कर रहे हैं बिफोर गोइंग होम. सो रानिया हैज गॉट, रानी डोंट टच इट लाइक दिस. रानिया हैज गॉट दिस लवली फ्रूट बास्केट एंड आई हैव गॉट माय सेल्फ नुटेला क्रोसेंट. तो बस अभी ये खा के फिर घर जाते हैं. Finally we are home. और अब देखें आप लोग मेरे बाल in their full swing. So I got a butterfly haircut. बहुत दिनों से, बहुत जमाने से मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन बालों की जो लेंथ है, as I told you, मैंने बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करवाई है. As you can see, अभी भी ये obviously थोड़े स्टाइल अप हुए हुए हैं, तो थोड़े ऊपर को चढ़े हुए हैं. बट देन आई गॉट लॉट्स ऑफ लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स फ्रॉम हियर. आई एम सुपर हैप्पी विद माई न्यू लुक. और वो जो सैलून पे भी ना सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे मेरे बालों की. एक तो यहाँ के लोगों के जो बाल चाल होते हैं ना, वो काफी पतले होते हैं और ब्लॉन्ड से होते हैं, तो उनके लिए ना दिस वॉल्यूम ऑफ हेयर और इतने ब्लैक और इतने सिल्की बाल, दैट वाज समथिंग न्यू फॉर देम. तो वो सारी इतनी एक्साइटेड हुई थी मेरे बालों को लेके. एनीवेज अब सीन्स ये हैं कि अवैस साहब ने मुझे लेके जाना है डिनर पे और उसकी उन्होंने बुकिंग कराई हुई है कुछ 7:30 बजे की. एंड नाउ इट्स ऑलरेडी लाइक 4ish. तो हम अभी रानी और मैं अभी आए वापस. तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट चेस्ट करते हैं और फिर अपने डिनर की तैयारी करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. One eternity later. Alright guys, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी निकलने लगे हैं हम लोग अपने डिनर के लिए. लेकिन अभी इस टाइम जो है ना, लाइट बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही है, तो मैं वहां चल के जो है ना आपको अपनी अच्छी सी फुल लुक दिखाती हूँ. राइट रानिया, we will have better lighting there, तो वहाँ चल के दिखाते हैं. All right guys, हम पहुँच गए थे अपने वेन्यू पे और रानिया मैडम जो है ना, ये यहाँ से मुसलसल चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही है. इसको मेरा फोन चाहिए जो कि मैं इसको नहीं देने वाली. और वी हैव प्लेस्ड द ऑर्डर एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड. हमारी ड्रिंक्स और स्टार्टर्स आ गए हैं अभी. रानिया गॉट हर पिज्जा, आई गॉट माई मैंगो बेरी ब्लिस समथिंग. और दिस इज एन अरंचिनी, आई एम गोइंग टू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट इट हैज सम पम्पकिन एंड फेटा चीज इन इट, सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स. अवेस इज ड्रिंकिंग अ कोक एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर मेन कोर्स. टाइम फॉर सम मेन कोर्स. आई गॉट सम सदर्न फ्राइड चिकन बर्गर एंड मिस्टर अवेस, अवेस 200 ग्राम्स है तो बहुत थोड़ा लग रहा है. 50 ग्राम्स आगे दे प्लेट. Abhay's got a very special beef steak. Rania's still eating her pizza. Mm. Bon appetit. ऑल राइट गाइज, यहाँ पे जो है लाइट शाइट थोड़ी सी अच्छी आ रही है. जहाँ पे हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे ना, वो उन्होंने माहौल शोहल बनाने के लिए बहुत मध्यम मध्यम सी लाइट लगी हुई थी. तो अगर यू आर फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो आप सब लोगों ने इन वाले इयर रिंग्स के लिए वोट किया था, तो मैंने यही पहने हैं एंड दे रियली रियली लुक नाइस विद दिस आउटफिट. और ये बस था मेरा हल्का फुल्का सा मेकअप. और यहाँ पे है मिस्टर अवेस. नहीं, इस तरफ यहाँ पे है हमारे साथ मिस्टर अवेस फरीद. हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल. एंड हियर वी हैव रानिया. लुक, एंड हियर इज माय क्यूटी पटूटी रानिया. पार्डन द कार्स गाइस. यार अवेस, यहाँ से पानी का शोर आ रहा है. ये पियर है इसके पास. चलिए जी, अब हम यहाँ पे करें थोड़ी सी पोस्ट डिनर वॉक शॉक. वाओ रानिया, वैसे यार कॉफी पिला दें प्लीज. इधर देख के बोले. कॉफी पीनी है मुझे. यार कॉफी पीने की बहुत तलब हो रही है. मैं तो सुबह से, मुझे सैलून पे कॉफी थी ना, दैट वाज लाइक ओके, वो बहुत वाटरी थी और ऑब्वियसली वो अब रेस्टोरेंट स्टाइल की तो देने से रहे हमें कॉफ़ी, तो वो बस मैंने आधी उधर ही पी थी. और उससे मेरी कोई जो होती है ना कैफीन की तलब, वो नहीं थी पूरी हुई, है ना रानिया.
रानी यहाँ पे तो बोट्स हैं यार, ये देखें, ये हम कहीं पियर के पास आए हैं और यहाँ पे सारी इधर बोट्स ठहरी हुई हैं। गाइस आई एम बैकिंग वॉकवर्ड्स गाइस रानी इज बैकिंग वॉकवर्ड्स। अभी जनाब हम आए हैं हिल टॉप पे, जहाँ से हमारे मतलब पूरे शहर का कह लें काइंड ऑफ व्यू नजर आता है, और यहाँ पे इतनी ठंड है, ये देखें रानिया को। वैसे रानिया तुम्हारी आंखें ना फ्लैश लाइट में बिल्ली की आंखों की तरह चमकती हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। थैंक गॉड आई हैव माय कॉफ़ी विद मी। बस यहाँ पे थोड़ी देर व्यू शू इंजॉय करते हैं और फिर घर जाते हैं। इसके ना डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से सिटी की डिफरेंट साइड्स के डिफरेंट व्यूज़ नज़र आते हैं बेसिकली। रानी क्या चाहिए आपको? नाइस, ये लो कॉफ़ी को हक कर लो, ये लो। आई डिडंट गेट अ चांस टू रिकॉर्ड एनी वेयर एल्स, तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी फुल लुक दिखा देती हूँ। हेयर आई गो, आई लव दिस ड्रेस। आवर्स लेटर। ओके जी, तो हम आ गए थे घर वापस और नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप। आई हैड एन अमेजिंग डे अल्हम्दुलिल्लाह, और इंस्टाग्राम पे मुझे इतनी प्यारी प्यारी आप सब लोगों की विशेज आई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस मुझे था कि मैं अपनी खुशी, थोड़े से मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी रिचुअल्स होते हैं यू नो बेटर। तो आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत जल्दी एक अगली वीडियो में। मैं आ गई हूँ सुकून में, अपने पीजर्स में, मेकअप रिमूव्ड, स्किन केयर डन, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फी अमान अल्लाह, बाय।